हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग, मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों एमजी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और क्या सही डिसीजन है एमजी को खरीदना या नहीं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो, फॉर्च्यूनर अपने प्राइस सेगमेंट और सेवन सीटर में हमेशा किंग रही है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में जो हमें गाड़ियां मिलती हैं वो मिलती हैं फोर्ड एंडेवर, पजेरो और मिल जाती है अल्टोरोस G4। बट जो चाइनीज कंपनी है MG, वो मार्केट में आ चुकी है और उसने अपना प्रीमियम सेवन सीटर लॉन्च किया है ग्लॉस्टर। एक चाइनीज कंपनी होने के बावजूद इसके सेल्स फिगर की अगर बात करें तो फॉर्च्यूनर से कुछ ही कम है, बट अगर इसी तरह का रिस्पांस इंडियन मार्केट में उसे मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो फॉर्च्यूनर को भी क्रॉस कर देगी। काफी सारे फीचर्स इस गाड़ी में और काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं MG और फॉर्च्यूनर के डिफरेंस के बारे में। बेसिकली ये दोनों सेवन सीटर बहुत ज्यादा सेल्स फिगर मेंटेन करती हैं अपने प्राइस सेगमेंट में अगर देखें तो, और काफी अच्छी सेल्स है दोनों गाड़ियों की। बट अगर बात कर लूं ना इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की, तो फॉर्च्यूनर की जो लेंथ मिल जाती है वो मिल जाती है 4795 mm की, जो कि ग्लॉस्टर से 190 mm का कम है। विड्थ की बात कर लें तो 1855 mm की विड्थ मिल जाती है, जो कि 71 mm कम है ग्लॉस्टर से। हाइट की बात कर लें तो 1835 mm की हाइट मिल जाती है, जो कि 32 mm कम है ग्लॉस्टर से। और व्हील बेस की बात कर लें तो 2745 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि कम है 205 mm ग्लॉस्टर से। अगर बात कर लें भाई, बेसिकली फॉर्च्यूनर काफ़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन ग्लॉस्टर ने उसे इन सब चीज़ों में भी टक्कर दे दी। अगर भाई लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो इस बिल्ड क्वालिटी में किसी को भी ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि कोई भी गाड़ी कमज़ोर है। बट अगर और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो फॉर्च्यूनर कोसों दूर है एमजी हेक्टर से, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि आसपास भी नहीं है फॉर्च्यूनर्स के। अगर हम बात कर लें फॉर्च्यूनर के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो उसके अंदर हमें मिल जाता है ABS, 7 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टैंड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, फोर व्हील ड्राइव डाउनहिल असिस्ट के साथ। और यही हम बात कर लें अगर ग्लॉस्टर के बारे में, उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्टॉप डिटेक्शन, ये सारे तो बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। बट अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। बेसिकली अगर इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि अगर सामने से गाड़ी अचानक से आती है तो ग्लॉस्टर में इतने सेंसर्स हैं कि वो अपने आप ब्रेक लगा लेता है। और ये सारे फीचर्स जो हैं वो इंडिया की बहुत सी कम गाड़ियों में, और अगर बाहर भी हम बात करें, आउट ऑफ इंडिया भी बात करें, तो वहाँ भी ये सारे फीचर्स उन गाड़ियों में नहीं मिलते। हाँ तो भाई लोग, अगर हम बात कर लें इसकी ताकत के बारे में, तो 2800 सीसी का इंजन हमें मिल जाता है फॉर्च्यूनर के अंदर और 2000 सीसी का इंजन हमें मिल जाता है ग्लॉस्टर के अंदर। बट जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है फॉर्च्यूनर का इंजन, वो करता है 201 bhp और ग्लॉस्टर का करता है 215 bhp। यहाँ भी 14 bhp से ज़्यादा पावर जनरेट करता है ग्लॉस्टर का इंजन। और अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, तो 420 nm का टॉर्क जनरेट करता है फॉर्च्यूनर का इंजन और 480 nm का टॉर्क जनरेट करता है ग्लॉस्टर का इंजन। यहां भी 60 nm का फर्क है 2000 सीसी का इंजन उनके बावजूद। तो भाई अगर देखें ना, तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात करूं तो MG ग्लॉस्टर मुझे कहीं तक भी कम नहीं लगी है बिल्कुल भी भाई, क्योंकि अगर उसकी प्राइस रेंज की बात कर लें तो 40.36 लाख ऑन रोड पर जाती है मैं ग्लॉस्टर। और अगर हम बात कर लें हम इसके 4x2 मैनुअल वेरियंट की, जो कि है फॉर्च्यूनर का, वो पड़ जाता है 38.25 लाख का। काफी ठीक है, ये मैनुअल वेरियंट में आती है, वो ऑटोमेटिक वेरियंट में आती है, और ऑटोमेटिक का जमाना आ चुका है। सब हर कोई प्रेफर करता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चला है। बट अगर जो मेन डिफरेंस की बात करूं ना भाई, वो मैं अगर 38 लाख खर्च कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरी गाड़ी में सनरूफ हो, जो कि फॉर्च्यूनर नहीं प्रोवाइड करता अपने किसी भी सेगमेंट में। बट हमें MG ग्लॉस्टर के बेस वेरिएंट में भी मिल जाए तो वहां भी हमें सनरूफ मिल जाती है, और आज हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं उसमें पैरानोमिक सनरूफ आती है। तो वही फीचर्स के मामले में अगर देखा जाए तो ग्लॉस्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 360 कैमरा भी इसके अंदर मिल जाता है और इतने सारे सेंसर्स हैं कि गाड़ी अगर कहीं से लग भी रही होगी तो सारे सेंसर्स आपको हेल्प करेंगे कि कहीं भी आप ठुकू नहीं। अब अगर हम बात कर लें जो इसके फ्रंट की लाइट्स के बारे में, वहाँ ग्लॉस्टर हल्की सी मात खा जाती है, क्योंकि सामने की साइड जो फॉग लाइट मिलती हैं वो हमें मिलती हैं हेलोजन ग्लॉस्टर में और मिल जाती हैं LED फॉर्च्यूनर में।
बट अगर और भी किसी चीज में देखा जाए तो ग्लॉस्टर का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रेन डिटेक्टिंग सेंसर भी आता है जो कि फॉर्च्यूनर में ये बेसिक फीचर भी नहीं है। तो फीचर्स के मामले में गाड़ी बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी है फॉर्च्यूनर से। बस अगर एक चीज और की बात कर लूं मैं तो फॉर्च्यूनर हमें केवल और केवल 7 सीटर ऑप्शन में मिलती है, बट अगर हम देखेंगे ग्लॉस्टर को तो हमें 6 और 7 दोनों मिल जाती है। तो सेकंड रो में थोड़ा प्रीमियम सा फील होता है और जो उसकी दोनों की सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हमें मिल जाती हैं। बट अगर एसी की बात करें तो हम एसी को जो कंट्रोल कर सकते हैं फॉर्च्यूनर में 2-वे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम बात करें ग्लॉस्टर की इसमें 3-वे कंट्रोल हो सकता है। हाँ तो भाई लोग कुछ उन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जो हमें फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं और ग्लॉस्टर में नहीं मिलते। वो सबसे पहला है वो है एलईडी फॉग लैंप। हमें फॉर्च्यूनर में एलईडी फॉग लैंप मिलती है और ग्लॉस्टर में मिल जाती है हैलोजन फॉग लैंप। बात कर लें अगर कूल एंड ग्लव बॉक्स की तो फॉर्च्यूनर में कूल एंड ग्लव बॉक्स मिलता है और हमें ग्लॉस्टर में नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है। हेडलाइट्स की बात कर लें तो हमें इसके अंदर मिल जाती हैं एलईडी हैलोजन प्रोजेक्टर्स फॉर्च्यूनर के अंदर, और वहां हमें मिलती हैं हैलोजन हेडलाइट्स। तो ये एक मेन बेसिक 3 डिफरेंस हैं जो मुझे लगे हैं होने चाहिए। तो ये सारे मेन फीचर्स आज के टाइम पर अगर 40 लाख खर्च कर रहे हो तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं गाड़ियों के अंदर। तो भाई ये सारे बेसिक डिफरेंसेस थे इन दोनों गाड़ियों के बारे में, बात कर चुका हूं मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। अब सब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रेफर करोगे जो बहुत ज्यादा फीचर लोडेड है, काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही है उसको, या फिर वो जो इतने सालों से मार्केट के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाइनीज ब्रांड की साइड जाओ, बट एक चाइनीज ब्रांड आपको काफी अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है सेम प्राइस रेंज में। तो डिसीजन आपका है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। ये था मेरी साइड से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और भाई शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कोई और फीचर हो इस गाड़ी के बारे में या कोई और गाड़ी की वीडियो आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।